वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में लर्न करेंगे, जो कि अपने एज पर द एमएसबीटी सिलेबस के हिसाब से रहेगा। पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट जो अपना इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल रहेगा, उसके अंदर का जो फर्स्ट बीट है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड लर्न करेंगे। सो सबसे पहले जो यूनिट नंबर वन है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, उसके अंदर जो हम टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, दैट इज़ नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। उसके बाद हम लर्न करेंगे व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इन डिटेल, और उसके बाद में द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल विद देयर फंक्शंस एंड देयर लोकेशंस। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम इन तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल अराइज व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। सो ऑटोमोबाइल इज नथिंग बट इट इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स ऑन ग्राउंड। तो एज पर द डेफिनेशन, ये सिंपल डेफिनेशन है ऑटोमोबाइल का, जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है, मतलब जिस व्हीकल के अंदर उनका पावर जनरेट करने के लिए एक कॉम्पोनेंट रहेगा जो उनका पावर जनरेट करेगा, एंड वो पावर जो यूज़ होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ऑन गुड्स, मतलब लगेज कैरी करने के लिए और पैसेंजर को कैरी करने के लिए, बट पर्टिकुलरली ऑन द ग्राउंड। ये जो लास्ट का वर्ड है ऑटोमोबाइल के डेफिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर यू कैन ऑब्जर्व हियर, जैसे कि कार, बस, जीप, ट्रक, मोटरसाइकिल्स, ये अभी सब ऑटोमोबाइल के एग्जाम्पल्स हो गए। बट यू विल फाइंड आउट कि पैसेंजर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूसरे भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमोबाइल इट डिफर फ्रॉम द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज एयरप्लेन्स, लोकोमोटिव, शिप्स, विच टू आर सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। मतलब ऑटोमोबाइल और ये तीन जो यहाँ पे मेंशन किए गए, इनका पर्पस सेम है कि जो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल होते हैं और वो पैसेंजर्स और गुड्स कैरी करने के लिए होते हैं, बट उनका जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो अलग होता है, उसकी वजह से ऑटोमोबाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट ये तीन चीज़ें से। तो यहाँ पे आप विद हेल्प ऑफ इमेज यू कैन ऑब्जर्व हियर, ये आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो है पर्टिकुलरली एरोप्लेन, और उसका जो पर्पज़ है लगेज एज वेल एज पैसेंजर को कैरी करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना है, बट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसका जो रहेगा ये एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एयर है। सेकेंड है लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मतलब अपने जो ट्रेन्स है जो जिसके अंदर भी लगेज एंड पैसेंजर कैरी होता है, और सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स होते हैं, और ये जो इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यू विल फाइंड आउट ये होता है पर्टिकुलरली रेल ट्रैक के ऊपर से। ओके, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ट्रेन्स पास होते हैं रेल ट्रैक के ऊपर से। नेक्स्ट है शिप्स, जो कि सेम पर्पज़ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, बट इसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है ये होता है वाटर के थ्रू। एंड जो हमने अभी लर्न किया था डेफिनेशन ऑटोमोबाइल का, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल जो कि ग्राउंड के ऊपर या रोड के ऊपर रन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमोबाइल। ओके, सो इन शॉर्ट अगर हम इन चारों इमेज को देखेंगे तो ऑटोमोबाइल हो गया ये फर्स्ट इमेज, ये सेकेंड इमेज हो गया एरोप्लेन का, इसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड होता है, ये थर्ड इमेज होता है लोकोमोटिव इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड, ये फोर्थ इमेज रहेगा मरीन इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड। आई होप ये आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आ चुका होगा। सो उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है या सेकंड टॉपिक बोलेंगे हम डिटेल में डिस्कस जब करते हैं, तो व्हाट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली। अभी हमने ऑटोमोबाइल का डेफिनेशन लर्न किया है, देखा है ऑटोमोबाइल मतलब क्या होता है, बट व्हाट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच मेक्स अ स्टडी ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्पज, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड पार्ट्स। मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या है, थोड़ा डिटेल में स्टडी होता है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल का ही, किस बारे में, उसका पर्पस क्या है हर एक व्हीकल का, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसके ऑपरेशनल डिटेल्स कैसे होते हैं, एंड उसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका लोकेशन, उनका वर्किंग, इन सारों चीज़ों का डिटेल में स्टडी करना है, मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लर्न करना है। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो उसके बाद जो अपना सेकंड टॉपिक है एज पर द सिलेबस, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल और व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। सो इन डिटेल यू विल फाइंड आउट यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दिया गया है इनिशियली मेन कंपोनेंट हाईलाइट किए,
उसके बाद सेकंड स्लाइड से ऑनवर्ड इसके बाद की स्लाइड के ऊपर से उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन टाइप्स आर देयर, तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब किस टाइप के लोड कैरी कर सकता है उसके ऊपर से ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई किया जाता है। सेकंड होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्हील्स विच आर प्रेजेंट इन द ऑटोमोबाइल और व्हीकल। थर्ड कैटेगरी होता है क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन द फ्यूल यूज, मीन्स विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज इन द पर्टिकुलर व्हीकल और ऑटोमोबाइल। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल और ऑटोमोबाइल, किस टाइप का उसका बॉडी स्ट्रक्चर है। देन फिफ्थ पॉइंट रहेगा बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन सिस्टम, उसके अंदर किस टाइप का ट्रांसमिशन सिस्टम है। देन बेस्ड ऑन द ड्राइव सिस्टम, विच टाइप ऑफ ड्राइव सिस्टम इज देयर, राइट हैंड ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव, जो उसके टाइप्स है। हम इसके आगे वाले वीडियो में भी पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे। उसके बाद का पॉइंट होता है क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन द पर्पज ऑफ यूज, मतलब किस पर्पज के लिए हो रहा है, लगेज कैरिंग, पैसेंजर कैरिंग, पर्सनल यूज, ट्रांसपोर्टेशन, इस टाइप में। और सबसे लास्ट में आएगा बेस्ड ऑन द मेक एंड मॉडल, मीन्स बेस्ड ऑन द मेक एंड मॉडल इज नथिंग बट कौन से टाइप का मॉडल है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इस टाइप के ऊपर से भी और इसके बेसिस के ऊपर भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम उसको डिटेल में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन द लोड कैरिंग कैपेसिटी। अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसके पर्टिकुलरली तीन कैटेगरी होते हैं, जो कि हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो जाएगा फर्स्ट, जिसके अंदर हेवी मोटर व्हीकल, इसको हेवी मोटर व्हीकल भी कहा जाता है, जो कि पर्टिकुलरली लगेज और पैसेंजर कैरिंग होता है लार्जर क्वांटिटी में। तो उसका एग्जाम्पल हो गया पर्टिकुलरली ट्रक्स एंड बसेस, ये हो गया हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सेकंड आता है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सच एज पिकअप, स्टेशन वैगन और जो महिंद्रा पिकअप जैसे व्हीकल्स है उसको हम लाइट मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी कहते हैं। और लाइट मोटर व्हीकल जो कि कार एंड जीप जो होते हैं उसको पर्टिकुलरली हम लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं, ओके, जो कि पर्टिकुलर मोस्टली पैसेंजर कैरिंग पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्हील्स विच आर प्रेजेंट इन द व्हीकल, उसके ऊपर से भी क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले आता है टू व्हीलर व्हीकल, मतलब जिस व्हीकल के अंदर ओनली दो टायर्स प्रेजेंट है, दो व्हील्स प्रेजेंट है, उस व्हीकल को टू व्हीलर व्हीकल कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी जैसे व्हीकल्स हो गए। देन थ्री व्हीलर व्हीकल्स, ऑब्वियसली जिसके अंदर जिस व्हीकल के अंदर थ्री व्हील्स थ्री टायर्स होते हैं उसको थ्री व्हीलर कहा जाता है, सजा ऑटो रिक्शा, थ्री व्हीलर स्कूटर और हैंडीकैप्स एंड टेम्पोज, लाइकवाइज दीज आर द एग्जाम्पल। और उसके बाद होता है फोर व्हीलर व्हीकल, जिस व्हीकल के अंदर पर्टिकुलरली फोर व्हीकल, फोर व्हील और फोर टायर्स होते हैं, तो वो हो गया अपना पर्टिकुलरली कार, जीप, ट्रक, बसेस, ओके। उसके बाद आता है सिक्स व्हीलर और मोर देन फोर व्हीलर, वी कैन कंसिडर, यहाँ पे कार एंड जीप में ही जनरली फोर व्हीलर होते हैं, ट्रक में और बसेस में, जो अगर लाइट होगा तो उसके अंदर चार व्हील्स होते हैं, बट सिक्स व्हीलर्स आर नथिंग बट पर्टिकुलरली जो बिग ट्रक्स विथ टू एक्सल और सिंगल एक्सल हैविंग द एडिशनल टू टायर्स एट द बोथ साइड एट रियर पोजिशन, तो उसको हम जनरली सिक्स व्हीलर और सिक्स टायर व्हीकल भी कहते हैं। तो ये हो गया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्हील्स। उसके बाद आएगा बेस्ड ऑन द फ्यूल यूज, मतलब किस टाइप का फ्यूल उस व्हीकल के अंदर यूज किया जाता है। जनरली हम सबको पता है कि पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स आर देयर, तो सबसे पहले आ जाएगा पेट्रोल व्हीकल, जो कि पर्टिकुलरली मोटरसाइकिल और स्कूटर्स और कार्स जो पेट्रोल के ऊपर ऑपरेट होते हैं। उसके बाद आता है डीजल व्हीकल, जिसका मोस्टली यूज होता है ट्रक्स एंड बसेस के अंदर, जहाँ पे लार्जर लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है। नाउ डेज अब सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी मार्केट में बहुत सारे हैं, तो नाउ डेज द फ्यूल की जगह उसको रिप्लेस करके बैटरी का यूज़ किया जाता है। तो नाउ डेज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वन टाइप ऑफ फ्यूल, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल विच यूजेज द बैटरी टू ड्राइव, जो कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद जो कि हम थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखेंगे तो प्रीवियसली स्टीम व्हीकल्स भी होता था, जो कि स्टीम के ऊपर चलने वाले इंजन्स होते थे। देन नाउडेज अगर अपना पेट्रोल और डीजल व्हीकल होगा तो उसको एडिशनली कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो, तो गैस व्हीकल जो कि एलपीजी एंड सीएनजी व्हीकल्स होते हैं, जो एलपीजी कहा जाता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी इज कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इसका भी यूज करके जो एज पर द फ्यूल कैटेगरी के अंदर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी स्ट्रक्चर मतलब आउटर स्ट्रक्चर जो होता है व्हीकल का उसको जनरली बॉडी स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसको ही सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है
सेडान और सलून विद टू डोर्स। ओके, तो यहाँ पे हम जस्ट कौन से टाइप्स है बॉडी स्ट्रक्चर की वही देखेंगे। अपकमिंग वीडियो में आपको मैं डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि सलून सेडान ये क्या होता है, उसके एक एग्जांपल इमेज के थ्रू हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे आप उसके कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो सबसे पहले सेडान, देन सेडान विथ फोर डोर, देन स्टेशन वैगन, देन कन्वर्टिबल, देन वैन, स्पेशल पर्पस व्हीकल, हैचबैक एंड लिमोसिन और लग्जरियस सेडान। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स है बॉडी स्ट्रक्चर की जो कि मोस्टली अपने कार्स के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जनरली मार्केट के अंदर आप देखोगे जो ऑन द रोड जो व्हीकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली कार एंड जीप और एसयूवीज, तो उसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कुछ व्हीकल सेडान क्लास के हैं, कुछ व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स हैचबैक कैटेगरी के अंदर आते हैं, कुछ कन्वर्टिबल में आते हैं, और जो कि थोड़ा लग्जरियस होते हैं जो उसको लिमोसिन कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे विद हेल्प ऑफ इमेजेस। नाउ सेकंड, उसके बाद आता है कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम मुझे लगता है सभी को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ट्रांसमिशन इज नथिंग बट जो कि इंजन में पावर जनरेट होता है और जो कि हमें व्हीकल को प्रोपेल करने के लिए, मूव करने के लिए जो पावर ट्रांसमिट किया जाता है इंजन के पास से टायर तक। तो वो जो इंटरमीडिएट जो सिस्टम होता है इंजन एंड टायर के बीच में, उसको ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो उसके जो कैटेगरीज है, जो कन्वेंशनल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है व्हीकल के अंदर, उसे कहा उसके अंदर होता है पर्टिकुलरली व्हीकल्स विथ मैनुअल ट्रांसमिशन, उसको जनरली कहा जाता है कन्वेंशनल ट्रांसमिशन सिस्टम। और वो पर्टिकुलरली कार के अंदर हम देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा 5 गियर का ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, जहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब उसके अंदर आप देख सकते हो कि क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, ये सारी चीज़ें होती है। तो सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है, ऑटोमेटिक क्लच ऑपरेशन हो जाता है बट गियर हैज़ टू बी चेंज मैन्युअली, ये होता है सेमी ऑटोमेटिक टाइप। और फुल्ली और ऑटोमेटिक टाइप का जो ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर, इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यू विल फाइंड आउट गियर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी चेंज मैन्युअली, इट इज गेट ऑटोमेटिकली चेंज एज पर द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल। ओके, तो ये हो गए ट्रांसमिशन सिस्टम के 3 कैटेगरीज। उसके बाद जो आता है क्लासिफिकेशन का टाइप बेस्ड ऑन द ड्राइव सिस्टम। ओके, सो यू विल फाइंड आउट जो व्हीकल कैन बी ड्रिवन सिटिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट। जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं कि अपना जो ड्राइविंग सिस्टम होता है ड्राइवर का पोजीशन राइट साइड में होता है, और फॉरेन कंट्रीज में ड्राइवर का पोजीशन लेफ्ट साइड में होता है। तो डिपेंड ऑन द सिटिंग पोजीशन ऑफ द ड्राइवर, उसके ऊपर से भी उसको कैटेगराइज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो उसके अंदर लेफ्ट हैंड ड्राइव एंड राइट हैंड ड्राइव सिस्टम होता है। उसके बाद वेदर द फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल और बोथ एक्सल्स आर ड्रिवन एक्सल्स, तो फ्रंट व्हील ड्राइव होगा या रियर व्हील ड्राइव होगा या बोथ एक्सल ड्राइव, उसे जनरली ऑल व्हील ड्राइव कहा जाता है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव, मतलब जो इंजन का जो पावर जनरेट होने के बाद अगर फ्रंट साइड के टायर को दिया जाता है तो उसको जनरली फ्रंट व्हील ड्राइव और फ्रंट एक्सल ड्राइव ऐसा भी कहा जाता है। अगर इंजन का पावर जनरेट होने के बाद उसको अगर व्हीकल के ऑटोमोबाइल के पिछले वाले टायर को अगर वो ट्रांसमिट किया जाता है तो उसको रेयर व्हील ड्राइव कहा जाता है। अगर इंजन का पावर फ्रंट के 2 टायर्स और रेयर के 2 टायर्स, जनरली मान लीजिए कार के अंदर या स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल के अंदर, एसयूवी के अंदर, अगर हम पावर इंजन का अगर सामने वाले 2 टायर और पिछले वाले 2 टायर को एट द सेम टाइम देते हैं तो उसको ऑल व्हील ड्राइव कहा जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद पर्पज ऑफ यूज, तो एक इमेज यहाँ पे मैंने यूज़ किया है जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा कि इंडिविजुअल यूज, फैमिली यूज, पैसेंजर कैरिंग और गुड्स कैरिंग। तो इंडिविजुअल यूज में आता है अपना 2 व्हीलर का पर्टिकुलरली व्हीकल्स, जो स्कूटर बाइक होते हैं, फैमिली यूज़ के लिए अपना स्पोर्ट यूटिलिटी जो एसयूवीज नाउडेज बहुत मार्केट में उसका यूज है, डिमांडिंग है, कार्स है, पैसेंजर कैरिंग बस एंड ऑटो रिक्शाज है, और गुड्स कैरिंग ट्रक, पिकअप एंड ट्रैक्टर। तो ये हो गया डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ यूज। ओके, तो यहाँ तक हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। बट एडिशनली अगर आप 2 व्हीलर का पर्टिकुलरली अगर 2 व्हीलर का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसके अंदर 3 कैटेगरी आते हैं 2 व्हीलर के अंदर, जो कि सबसे पहले आता है मोपेड, मोपेड्स कहा जाता है उसको। सेकंड कैटेगरी आता है स्कूटर्स, और थर्ड कैटेगरी आता है मोटरसाइकिल। मतलब ये
मेजर क्लासिफिकेशन के टाइप है टू व्हीलर के। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि मोपेड्स, स्कूटर और मोटरसाइकिल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस है, आप उसको देख सकते हो। तो ये जो फर्स्ट इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अपना फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टू व्हीलर, जिसे कहा जाता है मोपेड। तो मोपेड इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मतलब दो वर्ड को कंबाइन करके इसको नाम दिया गया है, जो कि मोपेड मतलब मोटराइज एंड पेडलाइज, जो मोटर के ऊपर मतलब इंजन के ऊपर भी वर्क होगा, रन होगा, और उसी व्हीकल को अगर हम पेडल ऑपरेट करके भी उसको बाइसिकल की तरह उसको रन कर सकते हैं। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक व्हीकल के अंदर होगा तो उसको पर्टिकुलरली मोपेड्स कहा जाता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हो, इसका जो इंजन है यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब उसको मोटर कहेंगे हम, और उसका जो पेडल्स है, आप बाइसिकल के पेडल के जैसे इसको देख सकते हो। तो इसका अगर मान लीजिए फ्यूल खत्म होता है, पेट्रोल खत्म होता है, तो आप उसको बाइसिकल की तरह भी उसको रन कर सकते हो। ये होता है पर्टिकुलरली कैटेगरी मोपेड। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मोपेड्स एंड स्कूटर के बीच में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो स्कूटर्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर, माइट भी आप सभी ने इस व्हीकल, इस टाइप के व्हीकल्स को यूज़ किया, ऑटोमोबाइल का यूज़ किया है, जो कि स्कूटर कैटेगरी में आता है। स्कूटर मतलब पहले ज़माने में बजाज का चेतक स्कूटर होता था, और अभी जो स्कूटर्स आ रहे हैं वो कंप्लीटली आप यहाँ पे देख सकते हो, हर एक का इमेज यहाँ पे, जैसे कि स्कूटी, एक्टिवा, प्लेजर, जुपिटर, ये जो टाइप के जो व्हीकल्स है उसको स्कूटर कहा जाता है। ओके, और जो थर्ड कैटेगरी है मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बेसिक स्ट्रक्चर तीनों का भी अलग है, तीनों में डिफरेंस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे मोटरसाइकिल के अंदर ये भी गियर ऑपरेटेड व्हीकल होता है, स्कूटर्स भी गियर ऑपरेटेड होता है, बट इसके अंदर हम मैन्युअली गियर चेंज करते हैं मोटरसाइकिल के अंदर, और स्कूटर्स के अंदर एज पर द स्पीड अपना उसके अंदर सीवीटी होता है। ओके, तो उसके हिसाब से अपना गियर रेशियो चेंज होता है, और ये अपना ये मोपेड हो गया। तो हो सकता है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है एज पर द टॉपिक नंबर वन, दैट कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस है, आप एक बार देख लीजिए। इस इमेज के अंदर आपको दिखेगी ऑटोमोबाइल के जो बेसिक कंपोनेंट्स है, या मेजर ऑल कंपोनेंट्स यहाँ पे प्लेस किए गए और शो किए गए। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ये अपना रेड कलर का सबसे पीछे वो जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बाद टायर्स, देन सीट, देन यहाँ पे आप देखोगे ब्रेकिंग सिस्टम है, डिस्क ब्रेक, देन सस्पेंशन सिस्टम, देन इंजन यहाँ पे है, देन बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि व्हीकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट हमें यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स देखना है, जो कि आपको इस इमेज के अंदर जस्ट ऑब्जर्व करना है, जो कि फ्रॉम फ्रंट मतलब राइट साइड टू द लेफ्ट साइड हमें ऑब्जर्व करते चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड में आप देखोगे इंजन प्रेजेंट है, जो कि दो सस्पेंशन सिस्टम के बीच में यहाँ पे इंजन को प्रेजेंट किया गया है। देन इंजन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये गियर बॉक्स है, उसके बाद आप देख सकते हो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो कि प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पे कनेक्टेड है। देन ये स्टेयरिंग सिस्टम है, जो कि फ्रंट साइड के टायर को टर्न करने के लिए यूज होगा। देन व्हील्स, चारों साइड में व्हील्स, देन डिफरेंशियल, देन सीट्स, देन यू कैन ऑब्जर्व हियर द बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हो गए बेसिक कंपोनेंट्स। वंस अगेन आप इस इमेज में भी देख सकते हो, जो कि फ्रंट पे इंजन है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम तो प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं है, बट जो अदर नॉमिनक्लेचर से आप उसको यहाँ पे रीड कर सकते हो, जो कि कंपोनेंट्स है ऑटोमोबाइल के। बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, जो यहाँ पे पाँच छः कंपोनेंट्स है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है बेसिक स्ट्रक्चर, उसे फ्रेम एंड चासी भी कहा जाता है, बट सिंपल वे रिमेंबर एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, जो इट सपोर्ट्स द इंजिन, व्हील, बॉडी, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेयरिंग सिस्टम, इन सभी को सपोर्ट करने वाला, कंबाइन करने वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि फ्रेम और चासी इसे कहा, और चासिस कहा जाता है। देन सेकंड आता है सुपर स्ट्रक्चर, जो कि व्हीकल का बॉडी एक्चुअल में उसे ही सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है, दैट इज बॉडी इज द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल एंड इट इज बोल्टेड टू द चासी। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है चासी फ्रेम है, जिसके ऊपर सारी चीज़ें माउंट किए जाते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर अटैच किया जाता है और बोल्टेड किया जाता है। देन अगेन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, दैट इज इंजिन और पावर प्लांट, जो कि व्हीकल के अंदर जो पावर सोर्स और सोर्स ऑफ पावर और सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाएगा, तो वो होता है इंजिन, और उसको ही कहा जाता है पावर प्लांट। उसके बाद होता है ट्रांसमिशन, जो कि इंजन के बाद और इंजन के अंदर जो पावर जनरेट होता है उसको टायर तक जो हम
प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ये होता है थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम। सो ट्रांसमिशन सिस्टम इज नथिंग बट विच ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इंजिन टू द कार व्हील्स। इट कंसिस्ट ऑफ क्लच, गियर बॉक्स, शाफ्ट, एक्सल्स, डिफरेंशियल। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसमिशन में हो, ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। उसके बाद आता है बेसिक कंपोनेंट में कंट्रोल्स, ओके, और कंट्रोल सिस्टम ऑफ द व्हीकल, जो कि व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है, जो कि होता है ब्रेकिंग सिस्टम। एक तो ब्रेक अप्लाई करके हम व्हीकल को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा होता है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग को भी हम यूज़ करके, स्टेयरिंग को भी हम ऑपरेट करके व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं। देन सबसे लास्ट में आएगा एसेसरीज, जो कि एडिशनल कंपोनेंट होते हैं व्हीकल के अंदर। मतलब व्हीकल को रन करने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट एडिशनली जैसे कि लाइटनिंग सिस्टम, हॉर्न सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, हीटर सिस्टम, स्टेरियो, वाइपर, दीज आर ये जो एडिशनल कंपोनेंट्स है जो व्हीकल के अंदर माउंट किए जाते हैं, वो आते हैं एसेसरीज और एक्सेसरीज के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये छः कंपोनेंट्स है ऑटोमोबाइल के, जो बेसिक कंपोनेंट्स है। सो वन बाय वन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो चासीज एंड बॉडी। तो यहाँ पे जो चासी है, तो एक्चुअल में ये जो सबसे लोअर पोजीशन पे जो है, यहाँ पे टायर और ये फ्रेम आप देख सकते हो, उसके ऊपर इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, डिफरेंशियल ये माउंट किया जाता है, उसको कंबाइनली कहा जाता है चासी। और उसके ऊपर बॉडी माउंट किया जाता है, तो ये अपना अपर पार्ट एक्चुअल में हम देख सेपरेटली कंसिडर करेंगे, तो इसको कहा जाता है सुपर स्ट्रक्चर। ओके, और बॉडी, तो ये हो गया बॉडी एंड चासी ऑफ द व्हीकल। सेकंड होता है सुपर स्ट्रक्चर, इज नथिंग बट सेम जो आउटर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पैनल्स होते हैं, डोर के पैनल्स जो होते हैं, बोनेट का होता है, रेयर साइड का, तो ये हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर। और उसके अंदर जो होता है फ्रेम या चासी, ओके, ये डिपेंड होता है व्हीकल के अंदर, कार या जीप के अंदर या स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल के अंदर ये अलग होता है। उसके बाद होता है फ्रेम। फ्रेम आप देख सकते हैं एक्चुअल में ये होता है फ्रेम, जो कि अपना लैडर के जैसा स्ट्रक्चर है, दो लॉन्गर मेंबर और दो लॉन्गर मेंबर को कनेक्ट करने वाले नंबर ऑफ शॉर्टर कंपोनेंट, जो कि एक दूसरे को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर फैशन में जनरली माउंट किया जाता है। तो ये होता है फ्रेम, और उसके ऊपर प्रोपेलिंग कंपोनेंट्स एंड ट्रांसमिशन सिस्टम माउंट करने के बाद ये हो जाता है चासी। सेकंड, उसके बाद पावर प्लांट एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर प्लांट इज नथिंग बट इंजिन, और इंजिन के थ्रू जो पावर जनरेट होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है टायर्स को, वेदर इट इज रेयर साइड टायर और फ्रंट साइड। और जो ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ किया जाता है उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है क्लच, ट्रांसमिशन मतलब गियर बॉक्स, ड्राइव शाफ्ट, और उसको प्रोपेलर शाफ्ट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल जॉइंट्स, देन डिफरेंशियल एंड देन रेयर टायर्स और रेयर व्हील्स। देन कंट्रोल्स इसके अंदर आता है बेसिकली ब्रेकिंग सिस्टम एंड स्टेयरिंग सिस्टम, जो व्हीकल को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम एंड स्टेयरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रेकिंग सिस्टम इज नथिंग बट चारों टायर को अलग से सेपरेटली ब्रेक्स माउंट किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक पेडल ऑपरेट करके हम उसको व्हीकल का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, व्हीकल को स्टॉप कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। और स्टेयरिंग सिस्टम से हम उसको व्हीकल को डायरेक्शन देना, मतलब एक वन ऑफ द कंट्रोलिंग सिस्टम। तो स्टेयरिंग व्हील को हम जैसे रोटेट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेयरिंग व्हील का जो टर्निंग मोमेंट है, जो मोमेंट होता है वो होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ टायर, मतलब टायर टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट टर्न होते हैं, बट जो स्टेयरिंग व्हील होता है कम्प्लीटली 360 डिग्री में टर्न होता है। तो ये हो गया ब्रेकिंग सिस्टम एंड स्टेयरिंग सिस्टम। बट ओवरऑल अगर देखोगे आप, अगर टॉप व्यू से हम देखेंगे तो जनरली जो कंपोनेंट्स माउंट किए जाते हैं ये होता है अपना फ्रेम, जो कि लॉन्गर मेंबर और शॉर्टर मेंबर से आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अंदर स्टेयरिंग सिस्टम, व्हील्स, रेयर साइड एंड फ्रंट साइड, उसके बाद इंजिन, देन क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, इन सारों को माउंट करने के बाद ये हो जाता है अपना कम्प्लीटली चासी। और ये हो गया अपना आउटर बॉडी स्ट्रक्चर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो होप सो ये इस वीडियो का एंड है। होप सो आप सभी को ये जो बेसिक थ्री पॉइंट्स है जो हमने स्टार्टिंग में हाईलाइट किए थे कि जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि डेफिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एंड देयर फंक्शंस एंड लोकेशंस। होप सो सभी को समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।